हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जहां एक प्रिंसेस एक ऐसी टाइमलाइन में फंस जाती है और हम जानेंगे कि वो इस टाइमलाइन से कैसे बाहर निकलती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें किंग रॉबर्ट दिखाया जाता है जो बहुत सारे राजाओं को पत्र लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि मेरी इकलौती बेटी एलेन अगले 3 हफ्ते में 20 साल की हो जाएगी, लेकिन उसे श्राप मिला हुआ है कि वो जिस दिन 20 साल की होगी मैरी नाम की चुड़ैल उसे मार देगी। और मौरे नाम की इसी चुड़ैल ने 20 साल पहले मेरी पत्नी को भी मारा था और मेरी बेटी को ये श्राप दिया था, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ और मैं एक ऐसे राजा की खोज में हूँ जो मेरी बेटी को दिल से जीत सके और हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सके। वहीं ये पत्र जॉन नाम के एक राजा को भी मिलता है, जॉन जो कि प्रिंसेस का बचपन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पिछले काफी सालों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब प्रिंसेस 20 साल की हो जाती है। एलेन उठकर रसोई में काम करने वाली एक औरत से मिलती है जहां उसे वो बताती है पत्र तो बहुत सारे राजाओं को भेजा था, लेकिन केवल जॉन नाम का राजा ही जिसके साथ अब बचपन में खेला करती थी वही आया। एलेन यहाँ से सामान खरीदने के लिए चली आती है जहाँ बाजार के अंदर कुछ लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, कुछ लोग कहानी सुना रहे हैं और कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन एलेन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा सा रसोई का सामान लेकर यहाँ से वापस चली आती है। वहीं तब तक किंग रॉबर्ट से किंग जॉन भी मिलने आ जाता है। रॉबर्ट यहाँ पर जॉन से बोलता है कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, मुझे पता है कि तुम और एलेन बचपन में करीब हुआ करते थे, तुम दोनों के बीच में सच्चा प्यार होना चाहिए, अगर सच्चा प्यार होगा तो वो श्राप को तोड़ देगा और एलेन मुक्त हो जाएगी। यहाँ पर वे हंटर को भी बुलाया जाता है जो कि मॉरेन नाम की डायन को पकड़ेंगे। वहीं एक जगह हम उस डायन को देखते हैं जो अपने जादू मंत्र का इस्तेमाल करके एक जगह पत्थर पर एक क्रिस्टल वाला गुलाब बना देती है। वहीं जॉन भी एलेन के पास आ जाता है और उसे रेड रोज गिफ्ट देता है। बाद में ये सभी लोग एक सभा के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पर जॉन को सभी के सामने एलेन को किस करना है और अगर इन दोनों का प्यार सच्चा होगा तो एलेन श्राप से मुक्त हो जाएगी, लेकिन महल के बाहर काले बादल छा जाते हैं और तूफान आना शुरू हो जाता है, यानी कि एलेन की मृत्यु की घड़ी बहुत नजदीक है। तभी जॉन यहाँ पर एलेन को किस कर लेता है, लेकिन इस किस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तूफान बस आगे बढ़ता ही रहता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी प्रिंसेस एलेन की आंखें खुलती हैं और उसे लगता है कि ये तो एक बुरा सपना था और पिछले दिन की तरह वापस से रसोई में जाती है जहां एलेन को पता चलता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी घटित हुई है और उसे पता चलता है कि महल के अंदर केवल प्रिंस जॉन ही आने वाला है। यहां से वो मार्केट के लिए भी जाती है जहां वो उन सभी को देखती है जब उसने पिछली बार सभी को देखा था, जहां चोरी करने वाले, कहानी सुनाने वाले और साथ ही साथ धनुष बेचने वाले को देखते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शाम होते ही प्रिंस जॉन सभी के सामने एलेन को किस करता है और फिर से वही काले बादल और तूफान आ जाते हैं। ये दिन भी बिल्कुल कल के जैसा ही निकलता है और फिर एलेन की आंखें खुलती हैं जैसे हर रोज खुलती है। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो बस अपने इसी दिन को बार बार जी रही थी। एलेन अपने हाथ पे बने निशान को देखती है और यहाँ से वापस रसोई में जाती है जैसा कि वो बार बार करती आ रही है। वो उस महिला को बताती है कि वो बस बार बार आज ही के दिन को जी रही है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो औरत प्रिंसेस एलेन की बातों पर विश्वास नहीं करती है तो एलेन बोलती है कि आपने उन चीजों की सूची बना रखी है जो चीजें आप बाजार से मंगाएंगी। तब उस औरत को थोड़ा विश्वास होता है उसकी बातों पर। एलेन अपनी दोस्त एमिली के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं यही दिन 3-4 बार जी चुकी हूँ और जब मैं उठती हूँ तो वापस से सवेरा हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। एलेन अगले दिन फिर इसी तरह उठती है, अब की बार फिर रसोई के अंदर इस महिला से मिलती है। वो औरत बोलती है कि अगर तुम इसी दिन को बार बार जी रही हो तो तुम्हें इसे खुलकर जीना चाहिए और इसी वजह से वो अपने इस दिन को बहुत ही ज्यादा खुलकर जीती है। वो सभा के अंदर सामने बेझिझक बोलती है और सभी लोगों को एंजॉय करने के लिए बोलती है। वो मैदान के अंदर अपना घोड़ा लेकर जाती है और उसकी सवारी करती है और जब बाजार जाती है तो चोरी करने वाले को पकड़ लेती है और जो इंसान पहली बता रहा होता है उसके जवाब देने से पहले ही वो जवाब बता देती है। एलेन वो सारे काम करने लगी थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने इसी दिन में प्रिंस जॉन के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है और वह ऐसा हर रोज करती है। वो प्रिंस के साथ एक ही जगह बार बार जाती है और उसे अपनी खुशी का पता चलता है। प्रिंस उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मेरी माँ को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं। एलेन बोलती है कि पिछले इतने सालों से तुम कहाँ थे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जॉन उसे बताता है कि मैं अपने पिता की वजह से नहीं आया और मैं हमेशा से उन्हीं के पास रहा करता था। एलेन महल के अंदर आर्किबोर्ड से मिलती है जो कि जादू मंत्र जानता था और उसे बताती है कि मैं इसी दिन को पिछले 1 महीने से जी रही हूँ। वो उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ पे जो निशान है वो निशान मैंने ही बनाया है जब तुम बहुत छोटी थी और वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि तुम इसी दिन को बार बार जी सको, मॉरेन तुम्हें मार ना सके, इसलिए तुम्हारे पास एक मौका है उसे खत्म करने का, तो इस मौके का इस्तेमाल करो और अपने लिए एक सच्चा प्यार ढूंढो। वो उसे बताता है कि इस चुड़ैल ने हमारे किले को भी अपने कब्जे में ले लिया है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम वहाँ जाकर देख सकती हो, लेकिन संभल कर जाना। एलेन जब उस किले के अंदर जाती है तब वहाँ पहले से ही विशेंटर मौजूद होते हैं जो वहाँ के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, इसलिए एलेन अगले दिन
देखती है और फिर से आर्किबोट से मिलती है। वो उसे बताता है कि एक बार बहुत बड़ा तूफान आया था और मोरेन ही थी जो इस महल को बचाने वाली थी। तब तुम्हारे पिता ने कहा था कि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तब वो वहाँ से बिना कुछ लिए ही खाली हाथ चली गई। लेकिन एक साल बाद वो फिर वापस आती है और तुम्हारी आत्मा मांगती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने इनकार कर दिया था और उसी वजह से मोरेन ने तुम्हारी माँ को मार डाला और तुम्हें श्राप दिया कि तुम जब 20 साल की होगी तो तूफान इस महल को और तुम्हें नष्ट कर देगा। आर्किबोल्ट बोलता है कि उस गेट को खोलने के लिए तुम्हें एक लेक की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें पुनर्जीवित पहाड़ों के अंदर मिलेगा। इसलिए एलन जॉन और एमिली के साथ वहाँ से पहाड़ों में चली जाती है जहाँ वो मंत्रों को पढ़ के एक गुप्त दरवाजे को खोलती है, जहाँ ये लोग नाव में बैठकर उस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ एक बोलने वाला पहाड़ होता है जो एक पहेली बोलता है। एलन उस पहेली को सुलझा देती है। फिर ये लोग दूसरी पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें अपने उस रहस्य को एक दूसरे के बारे में बताना है जो आज तक ये लोग छुपा कर आए हैं। तो एमिली एलन से पूछती है कि बचपन में तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों बताया कि मैं रसायन विज्ञान सीख रही हूँ। तो वो बताती है कि मैं तुमसे उस टाइम जलती थी। अब जॉन की बारी आती है। जॉन भी सीक्रेट बता देता है और बोलता है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें इस बारे में बता सकूं। इस तरह से सभी का रहस्य जान लेने के बाद एलन को पानी के अंदर लेक मिल जाता है। इसी लेक की मदद से ये दुनिया का किसी भी गेट को खोल सकती है। यहाँ से ये लोग किले पर जाते हैं जहाँ मोरेन रहती है, और जब ये तीनों मिलकर मोरेन को मारने की कोशिश करते हैं तो मोरेन एमिली और जॉन इन दोनों को जानवर में बदल देती है और एलन मोरेन का मुकाबला नहीं कर पाती। इसलिए वो थक हार कर अगले दिन फिर से ट्राई करती है, जहां ये लोग मोरेन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। एलन उसे मारने की बहुत कोशिश करती है और इस दिन को बहुत बार जीती है, लेकिन वो हर बार हार कर नाकाम हो जाती है। मोरेन को पता चल जाता है कि एलन के हाथ में एक निशान है, तो इसी वजह से वो बार बार इस दिन को जी रही है। इसलिए मोरेन अपने जादू से एलन के उस हाथ के निशान को मिटा देती है और बोलती है कि अब वक्त तुम्हारा गुलाम नहीं। और जब एलन सुबह उठती है तो उसके हाथ में वो निशान नहीं होता, यानी कि मोरेन को हराने का ये केवल आखिरी मौका है। एलन की दिनचर्या वैसे ही शुरू होती है जैसे हर बार हुआ करती थी। वो हर बार की तरह उठकर मार्केट जाती है और इस बार लोगों को संदेश देती है कि बहुत घना तूफान आने वाला है, वो सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहे। एमिली भी जाकर आर्किबोर्ड को बताती है कि एलन के हाथ का निशान अब मिट चुका है, और जॉन एमिली और एलन वापस से उस किले के पास जाते हैं जहां मोरेन का कब्जा है। एलन भी सेंटर को समझाती है कि वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। एलन यहाँ पर जॉन से अकेले में भी बात करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। जहाँ ये तीनों किले के अंदर जाते ही मोरेन के ऊपर हमला कर देते हैं। इन तीनों की प्लानिंग होती है कि किसी तरह वो गुलाब वाले क्रिस्टल को तोड़ना होगा क्योंकि मोरेन की सारी शक्तियाँ उस क्रिस्टल में हैं। लेकिन एलन की लड़ाई में आर्किबोल्ट भी अपने जादू के साथ आता है और अपने साथ कुछ सैनिक भी लाता है, और ये सभी मिलकर मोरेन से मुकाबला करते हैं। लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर होती है और इन सभी का मुकाबला अच्छे से कर लेती है। तभी मोरेन अपने जादू जॉन पर करती है, जहां वो अपने जादू से उसे पत्थर का बनाने वाली थी, लेकिन उसके सामने एलन आ जाती है और खुद पत्थर का बन जाती है। लेकिन अब एलन और जॉन का प्यार सच्चा है और ताकतवर भी, बस इसी वजह से वो वापस पत्थर से इंसान बन जाती है, और इन दोनों का प्यार सच्चा होने की वजह से मोरेन खुद पत्थर का बन जाती है। और तब एमिली उस क्रिस्टल को तोड़ देती है जिसे वो डायन खत्म हो जाती है। मोरेन को खत्म करने के बाद वो लोग महल आते हैं और सभा में बैठते हैं, लेकिन तभी बहुत बड़े बड़े तूफान आने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन एलन को किस करता है और अगले ही पल वो तूफान साफ हो जाता है और उसे मोरेन के श्राप से मुक्ति मिल जाती है।